लानत है ऐसे सरकारी अफसरान पर जिन्होंने हुकूमती पैसे की वसूली में कोताही बरती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरहम बोले, छोटे बहुत पकड़ लिए, अब बड़ों के खिलाफ एक्शन लेकर मिसालें कायम करनी हैं। सरकारी राजी पर तामीरात अज खुद नोटिस केस, एफबीआर अफसरान और डिप्टी कमिश्नर तलब। इस बारे में उमर शाकिर से मजीद जान लेते हैं। उमर शाकिर, बताइए इस बारे में। कोर्ट में सरकारी इरादे पर पैकेजेस बॉल की तामीर के खिलाफ अर्जुद केस की समाप्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने महकमा रेवेन्यू के अफसरान और डिप्टी कमिश्नर को आज शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट तलब कर लिया है। दौरान समाप्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क लिए हैं कि जिन अफसरों ने नुकसान पहुंचाया उनका क्या एहतसाब नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अदालतें सरकारी इरादे की मुहाफिज हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि 4 साल से लीज खत्म होने के बावजूद इरादे वापस नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि लानत है ऐसे सरकारी अफसरान पर जो हुकूमती पैसे की वसूली में 4 साल से कोताही बरते रहे। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अब बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लेकर मिसालें कायम करनी हैं, छोटे बहुत पकड़ लिए। चीफ जस्टिस ने समाअत मुलतवी करते हुए आज शाम 5 बजे महकमे रेवेन्यू के सीनियर अफसरान और डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। पैकेजेस माल की जानिब से डॉक्टर परवेज हसन एडवोकेट अदालत में पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि शुक्रिया मशाकिर, तफसीलात से आगाह किया आपने।